तो हेलो दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे आईफोन एक्स के रिव्यू के मैं बात करूंगा कि गेमिंग फ़ोन के लिए वो कैसे है, उसके ग्राफिक्स आपको कैसे मिलेंगे, लैग क्या मिलेगा, बैटरी बैकअप सब कुछ इसमें से बात करूंगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं, दिखा देता हूं आपको मैंने। और ये मेरे अपने घर में फ़ोन यूज़ हो रहा है आईफोन एक्स, तो उसमें पबजी डाउनलोड करके टेस्ट वेस्ट किए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं और इसमें HDR और अल्ट्रा है, आपको स्मूथ एक्सट्रीम पर भी काफ़ी अच्छा चल जाता है। मैं अभी आपको थोड़ा इसमें गेम दिखाऊंगा, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये है इसका एक हैंड कैम, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर, मैंने रिकॉर्ड किया और इसमें मैंने कह रहा है HDR अल्ट्रा, ये TDM रिकॉर्ड मैंने इसमें किया, ये जैसे आप देख सकते हैं HDR अल्ट्रा। और मुझे इसमें लैग देखने को नहीं मिला जब मैं ये खेल रहा था, लैग देखने को बिल्कुल नहीं मिला, अल्ट्रा जा रहा है। मगर हाँ, अगर आप थोड़ी ज़्यादा हैवी 3-4 घंटे लगातार खेलेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्मूथ प्लस एक्सट्रीम खेला करें, वो बहुत मस्त चलेगा। 5-6 घंटे जितनी देर भी आप खेलेंगे को लैग देखने को नहीं मिलेगा। 60 FPS पे लोगे काफ़ी अच्छी बात है, मतलब आप इसमें क्लॉ भी खेल सकते हैं बड़ी स्क्रीन। अब क्योंकि मैंने आईफोन एक्स में रिकॉर्ड किया तो ये थोड़ी बल्जी से आपको स्क्रीन दिख रही होगी, बाकी इसमें आप क्लॉ भी खेल सकते हैं। बैटरी के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो क्लॉ है, अगर आप 4-finger claw खेलते हैं और हैवी कैमरा है तो आप आईफोन एक्स की तरफ जा सकते हैं। मगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आईफोन एक्स जो है अब वो नहीं मिलता, जो डब्बा पैक है आईफोन एक्स मार्केट में नहीं मिलता। यूज़ मिल जाता है मगर डब्बा पैक नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ फॉल्ट्स आ गए थे जिसकी वजह से आईफोन एक्स इतना नहीं चला। मैं ये इसकी बुराइयां नहीं कह रहा, मगर जो है कि जो मेरे पास ये अभी अवेलेबल आईफोन एक्स है इसमें स्क्रीन का प्रॉब्लम आ गई थी कि अब उसमें एक लाइन आ गई, इसलिए अब इसको मैं हैंड कैम नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बीच में कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये इसकी कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, आप इसमें मस्त क्लॉक खेल सकते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के लिए। मैं अभी इसमें HDR अल्ट्रा खेल रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ चल रहा है, मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा, कोई स्क्रीन स्टक नहीं हो रही। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 64 GB ये वेरियंट है इसका, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसकी 2716 mAh की बैटरी है और एप्पल क्लेम करता है कि ये 13-14 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे देगी। तो आप इसमें पबजी आराम से फुल 100% चार्ज पर, अगर आपकी बैटरी 96% है या ऐसे 100% पर है, तो आप आराम से 4-5 गेम 6-7 गेम खेल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें स्मूथ चलता है, मैं बहुत आराम से इसमें पबजी खेल सकता हूँ। और एप्पल का तो आपको पता ही है कि एप्पल में काफ़ी इसमें आपको 60 FPS मिल जाएगा, बैटरी बैकअप भी सही है, मतलब इसमें सारे काम हो जाते हैं। आप कर सकते हैं इसको परचेस कर सकते हैं, जो मेरे पास वेरियंट है 64 GB है और क्योंकि बड़ी स्क्रीन है उसकी वजह से आप क्लॉब इसमें आराम से खेल सकते हैं। यार ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।